वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं नादिया से, और नादिया मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये जो डेंटिस्ट्री हुई साथ में, ठीक है, तो डेंटिस्ट्री कैसे हुई? यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डेंटिस्ट, या फिर घर में था और सबने कहा कि डेंटिस्ट बन जाओ, इट्स अ गुड प्रोफेशन? आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ साइंटिस्ट, और मुझे था कि मैं किसी किस्म की कोई रिसर्च करूं। यू नो यू लुक लाइक दैट। अच्छा, यू लुक लाइक दैट। बट आई वॉज वेरी इंक्लाइंड कि मैं आई वॉज लाइक यू नो, मुझे बस हमेशा होता था कि मैं एक बड़े से कॉलेज के अंदर, मैं किसी लैब के अंदर बैठी हुई होंगी एंड मैं कोई रिसर्च कर रही होंगी। हाँ, रिसर्च कर रही होंगी किसी चीज पे, और यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन उसके बाद फिर मुझे हुआ, अच्छा चलो मैं यू नो किसी कॉस्मेटिक जो ना, जिस तरह आजकल हेयर ट्रांसप्लांट्स एंड लाइक कॉस्मेटिक सर्जरी में मैं करूँ कुछ। बट आई वॉज नॉट टू कीन कि मैं बहुत लंबा पढ़ाई करूँ। आई वॉन्टेड के यू नो, बिकॉज MBBS थी, दो दिन में खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, उसमें बेसिकली यू नो इट वॉज ऑल्सो माई मदर हु काइंड ऑफ टोल्ड मी के यू नो, अगर तुमने करना है कुछ तो फिर तुम वाई डोंट यू ट्राई आउट, और वाई डोंट यू लुक इन टू डेंटिस्ट्री एज वेल। एंड बल्कि उन्हीं की वजह से जो था, फिर मैंने यू नो फातिमा जिन्ना में, फिर आई इवन वेंट टू सी इट, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। माई मदर यू नो, कोई एक हमारी थी फैमिली फ्रेंड जिनकी बेटी करी थी डेंटिस्ट्री इसी कॉलेज से, फिर अम्मी ने उनसे बात की, फिर अम्मी ने वो उस यू नो कॉलेज का एड्रेस लिया, फिर हम लोग जाके नो देखा कॉलेज। एंड जब मैंने एक्चुअली यू नो ऑनेस्टली आई एम गोइंग टू से इट ऑन एयर, बट द फर्स्ट टाइम आई सॉ फातिमा जिन्ना स्टार्ट आई बॉल्ड, मतलब मैंने इतना, मैं इतना रोई हूँ, बिकॉज वो उस वक्त जो कॉलेज था वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, वो एक बिल्कुल छोटे से घर में था, और मैं एक अच्छे खासे बड़े स्कूल से, यू नो आई वाज, बिकॉज आई हैव डन माय ए लेवल्स फ्रॉम बीकन हाउस, एंड अच्छे खासे बड़े स्कूल से, इतना बड़ा एनवायरनमेंट, एंड मैं तो रोने शुरू कर गई। मैंने, ओह माय गॉड, ये कॉलेज, यू नो मैं नहीं जा रही यहाँ पे, एंड आई वांटेड टू गो टू बकाई इंस्टेड, एंड मैंने यू नो, बिकॉज मेरा भी एक ड्रीम था कि यार बड़ा कॉलेज तो होना ऐसे, yeah, लेकिन लेकिन eventually you know, when I got more into it, and then I actually approached a couple of dentists, senior dentists who I knew personally as well, तो सबने जो था फिर रेकमेंड किया फातिमा जिन्ना एज वेल। तो उस वक्त मैंने कहा चलो ठीक है यार, आई मीन यू नो कर लेते हैं, बिकॉज देन फिर हम यू नो कॉलेज वालों ने कहा कि नहीं, हमारा कैंपस बन रहा है, एंड आप फर्स्ट ईयर आपका यहाँ गुजरेगा, सेकेंड ईयर आपका वहाँ गुजरेगा, थर्ड ईयर आपका वहाँ गुजरेगा, यू नो। तो वो मेरे साथ यही हुआ, वन ईयर भी स्पेंड इन, जो प्रैक्टिसिंग OPDs थी वो भी कोई बहुत ही उसमें थी नहीं, बाय दैट टाइम आई हैड शिफ्टेड, we had shifted to the hospital. Okay, yeah. Because of practicing OPD, जब मैंने देखी तो like okay, you know. नहीं, we had shifted out. Hats off to the people working. हाँ, we had shifted out by that time. Yeah. बल्कि हमारा जो like I said, first year जो था वो उस घर वाले कॉलेज में गुजरा, second year फिर हम लोगों का you know जो proper जो कॉलेज बना campus वहाँ पे second year वहाँ पे गुजरा, and then third and fourth year was of course in the OPD, you know, जहाँ पे हम लोग hospital में ही थे. So that wasn't it wasn't bad at all, and I have to say ke you know throughout my college life my administrators were very strict with me, and in fact they were very strict with everybody, you know, wo har waqt jo tha ek waqt nigrani hoti thi, you know, ki acha ye kya kar rahi hai, ye kya, ye sab and log, you know sab now log, I realize that this was very much needed. It was, you know, we used to hate it. Yeah, it was very much needed. Yeah, it always is, you know, because you're so young at that time. You're like in your early 20s. एंड उस वक्त आप समझते हैं कि जी आप इतने जो है ना वो प्रोग्राम बन गए हैं, आप एक्सपेरिमेंटेशंस भी करते हैं, एंड देन यू लीस्ट पुश टू एट सम एंड, सो यू नो दिस इज थ्रू आउट जो था हमारे कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट विद अस एंड विद ऑल ऑफ अस, आई मीन दैट हैज बीन द रेपुटेशन ऑफ दैट कॉलेज के दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एज फार एज स्टडीज आर कंसर्न एंड एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न एंड थिंग्स लाइक दैट। और मैं जो थी यू नो, क्योंकि आई वाज ऑलवेज इन द पब्लिक आई एज वेल, तो मैं ज्यादा कॉन्शियस हो जाती थी कि यार ये यू नो मैं आई शुड डू एवरीथिंग परफेक्टली। एंड अल्लाह का शुक्र है, बीइंग लाइक अ सेलिब्रिटी एंड अ मॉडल, कुछ कॉलेज में एडवांटेज था? नहीं, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं, क्या एडवांटेज होगा? इन फैक्ट इट वाज क्वाइट ऑन द, काम निकल जाते होंगे एडमिशन के, एडमिनिस्ट्रेटर वाले सारे काम निकल जाते होंगे, कुछ नहीं होता था? नॉट एट ऑल, इट वाज क्वाइट द ऑपोजिट, यू नो, कि वो लोग कहते हैं, वो लोग, उन लोगों को तो वो परवाह ही नहीं होती थी, यू नो, कि ये कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं है, लाइक इट वाज नेवर एवर टेकन टू माय एडवांटेज कि मैं जो हूं ना वो किसी किस्म की, बल्कि आई रिमेम्बर हमारे, अभी अभी कुछ मिलता है अभी कहीं, व्हेन यू गो समवेयर फॉर शॉपिंग एंड ऑल, इन द
डिस्काउंट देते हैं, ज्यादा पैसे लेते हैं? नहीं नहीं वो टीवी वाली ज्यादा पैसे देंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं तो फिर जाके लड़ना शुरू हो जाती हूँ ना आशियाना में एंड गल्फ में, एंड अब तो दोस्तियां भी हो गई हैं सबके साथ। बोल देते हैं बाबा जी आप तो टीवी में काम करती हैं, आपके पास तो बड़ा पैसा होगा। नहीं मैं कहती हूँ कि कौन समझते हैं हमारे पास ज्यादा पैसा है, मर मर के तो हमें चेक्स मिलते हैं। एग्जैक्टली और कभी कभी फंसे रहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। एग्जैक्टली, बट यू नो इट्स नेवर, इट वाज नेवर समथिंग दैट वाज टेकन टू माय एडवांटेज एवर। एंड यू नो, और मैं चाहती भी नहीं थी कि यू नो मेरी इस फील्ड की वजह से जो मुझे कुछ एडवांटेज मिले, बिकॉज आई डिड वांट टू प्रूव माय सेल्फ कि भी आई एम अ गुड स्टूडेंट एंड आई ऑलवेज डिड गेट डिस्टिंक्शंस इन माय इन थ्रू आउट। इन फैक्ट यू नो आई गॉट अ डिस्टिंक्शन इन माय फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अनफॉर्चुनेटली यू नो फाइनल ईयर तक मैं आई हैड गॉटन इन्वॉल्व विद माय हस्बैंड तो टू बी एट दैट टाइम, सो वो फिर मेरे फाइनल ईयर में मेरी डिस्टिंक्शन छूट गई। Like I said, unfortunately, yeah, because मेरी मंगनी हुई है मई में and मेरे profs थे जून में, so it was insane and my husband wanted कि जुलाई में शादी हो जाए, तो वो मैं इतनी tug of war चल रही थी throughout के my mother कितना peace of mind चाहिए होता exam देते हैं, yeah, but it was not. I mean, it was a tension filled prof, you know, and I remember. So वो फिर खैर eventually final year, so मेरा मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो टेंशन का साल था एक्चुअली, पर ये कि यू नो मतलब इट आई डिड माय ग्रेजुएशन एंड यू नो सब कुछ चला का शुक्र है कि या हाउस जॉब वगैरह थ्रू आउट एवरीथिंग। By that time, I was married and I was expecting as well. So on my convocation, I was in fact 7 months pregnant, and there were two of us who were pregnant. And acha khasa wo ek you know scene ban gaya tha ki yaar. And in fact, there was me who was totally like, मैं तो बस हर वक्त कि जी औरतों को काम करना चाहिए. मैं बल्कि उल्टा बोलती थी the other one who was pregnant as well. मैं काफी उसको बोलती थी, यू नो, बिकॉज शी ऑलवेज यूज टू से कि हाँ नहीं मैं तो पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे यू नो माँ बाप ने मुझे बोला है कि मैं पढ़ू, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है काम करने का और मैं सिर्फ शादी करना चाहती हूँ, मैं बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। एंड मैं हमेशा उससे लड़ती थी, यू नो, शी इज अ वेरी वेरी यू नो शी वॉज ऑलवेज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो मैं हमेशा उसको बोलती थी यार तुम क्यों तुम अपने टैलेंट जाया कर रही हो, शी वॉज ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट। एंड हुआ क्या कि माई सेल्फ एंड हर वो प्रेगनेंट एट द सेम टाइम ऑन आवर ग्रेजुएशन, तो वो मतलब यू नो इट वाज एज दो कि मेरे मुंह पे एक वो जो था ना वो चमाट थी दैट वे कि यार तुम बोलती थी और तुम खुद ही उसी सिचुएशन में आ गई, बट यू वर्किंग टू एंड यू विलिंग टू वर्क एज वेल, ऐसा नहीं था कि यू वर नो इवन शी इज वर्किंग, आई मीन यू नो इट्स नॉट एज़ दो शी इज नॉट वर्किंग, बट मैं उसको इतना बोलती थी यू नो कि तुम क्या यू नो कि तुम बस शादी करना चाहती हो, तुम ये मेरे साथ ही यही हुआ। अच्छा, सिंस सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है, हेल्थ टीवी पे तो थोड़ा सा हेल्थ का बता, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ? हेल्थ मतलब हाउ डू यू स्टे सो थिन? आई डाइट, कंट्रोल माय डाइट, आई डू एक्सरसाइज एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज आजकल जो है वो यू नो सिंस आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन अ यू नो प्लेस एंड ऑल दैट, तो थोड़ा बहुत टाइमिंग का मेरे साथ जो है ना वो इशू रहा है, एंड सो आई हैव बीन अ बिट लेजी थ्रू आउट दिस ईयर, बट अदरवाइज आई डू एक्सरसाइज वेरी रेगुलरली। लेजी होने पे भी ऐसा होता है, हमारे साथ क्यों नहीं होता है? But I control my diet quite a bit, okay. And लेकिन ये कि it's not as though you know कि जी लोग समझें कि जी मैं पता नहीं फाके करती हूँ या anything of that sort. I mean, I do. भी होती है, no, whatever they eat, they stay thin. Yeah, I mean, it's not even about that. I do have a tendency to gain weight, and I love to eat all kinds of food. You know, चाहे मुझे पाकिस्तानी खाना दे दो या मुझे Chinese या Thai या Japanese or any kind of food. I just love to eat food. लेकिन ये कि ऑफ कोर्स जहाँ पे कंट्रोल करना होता है वहाँ पे करना होता है एंड दिस इज डिमांड ऑफ योर फील्ड एज वेल, यू कांट गेन वेट। आई डोंट इवन थिंक दैट इट्स मोर अबाउट डिमांड, इट्स अबाउट अ पर्सनल चॉइस यार। आई मीन आई फील के आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन यू नो औरतें जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप को जो है वो बस नेग्लेक्ट कर देती हैं, एंड आई फील के बहुत वो एक गलत चीज होती है कि यू नो यू जस्ट यू कांट। आई मीन आई हैव also nursed my children, मैंने तो अपने first baby को एक साल पूरा nurse कराया, second baby को क्योंकि पहला baby बस चढ़ जाता था मेरे ऊपर, तो वो second baby को almost around 6 months मैंने nurse कराया, and of course I am very conscious of the fact कि यार अगर मैं nurse करा रही हूँ तो I have to be careful of my diet and my multivitamins and दूध and हर चीज का मुझे होता था, you know, so and immunity and blah and blah and सारी चीजें
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नादिया, बहुत मजा आया बातें करने में सीरियसली. एंड पता है वो कुछ होता है जो कोई अपनी फील्ड का कोई सामने आके बैठा तो यू फील मोर रिलेटेड एंड शी इज डेंटिस्ट एज वेल, सो आई वाज सो कंफर्टेबल विद हर एंड आई होप शी वाज टू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नादिया, बहुत बहुत मजा आया. व्यूअर्स वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे सेल्फ डिफेंस सेगमेंट के साथ. कहीं मैं जाएगा, विल बी राइट बैक.